भाई अब बारी आ चुकी है इन बुक करोगी। देख रहे हो ये बहुत कंजूस है भाई, बहुत कंजूस है। आटे वाले मन जाएंगे। चलो तो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 8 यार, और गांव में यार बहुत जल्दी आग खुल जाती है यार। शहर में तो हमें पता है यार 9 बजे तक हमारी आग खुलनी है, और गांव में यार 6 बजते ही भाई आग खुल जाती है यार, उसके बाद नींद नहीं आती। तो अभी भाई चाय वाय पी के अभी आराम से बैठे हुए हैं, और भाई घर भाई रेडी हो चुका है, और सिम्मी भी शांति से बैठी हुई है आज शांति से बैठी हुई है यार, वरना भाई रोज ये भाई बहुत ज़्यादा खेलती है। और फाइनली भाई POP का काम भी स्टार्ट हो चुका है, कल 2 रूम कंप्लीट हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ रूम कैसे लग रहे हैं भाई, ये चेक करो गाइस। तो भाई हमने ये डिज़ाइन पसंद किया था, ये देख सकते हो भाई, इसमें 6 लाइटें लगी हुई हैं, 6 लाइटों के हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन सेलेक्ट करा था। देख सकते हो भाई कितना सेक्सी लग रहा है भाई, चेक करो। और एक रूम मैं आपको दिखाता हूँ, रूम ये है, इसमें ऐसा डिज़ाइन करा गया है, एकदम ये फ्लावर की तरह डिज़ाइन करा गया है, ये भी अच्छा लग रहा भाई। तो भाई ऑलमोस्ट आज या कल, मतलब कल शाम तक हमारा POP का काम बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, उसके बाद काम होएगा पुट्टी का। पुट्टी में जो हमारा 4-5 दिन लगने वाले हैं, ये देखो भाई ये दीवार पे अभी पुट्टी होनी है, 4-5 दिन लगने वाले हैं, और उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिशियन का और हार्डवेयर का काम स्टार्ट होएगा। और आज जो है ना भाई आज हमारी गैलरी होने वाली है, देख सकते हो यहाँ पर भाई जो बैठक होती है ये, और ये कंप्लीट होएगा आज, और हमारा किचन कंप्लीट होने वाला है। देख सकते हो भाई लेबर जो थे भाई उन्होंने पूरा सेटअप बना के गए हैं, और फटाफट आएंगे। और भाई यार इनका काम भाई बहुत तेज है यार, बहुत तेज है भाई, बहुत फास्ट काम कर रहे हैं भाई। कल में इन्होंने भाई 2 रूम कर दिए, वो भी भाई मतलब मुझे नहीं लगता था कि कल में 2 रूम हो पाएंगे, पर भाई इनका काम इतना फास्ट है भाई, 2 रूम कर दिए, देख सकते हो भाई। और आज भाई आज ये कह रहे हैं कि हम पूरा मतलब ये पूरी जो गैलरी होती है, बैठक होती है, ये करके जाएंगे और किचन करके जाएंगे। और कल ये दोपहर तक, कल हाँ 3-4 बजे तक कल ये पूरा फिनिश कर देंगे घर भाई, देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा फास्ट काम है यार इनका। मैं तो इनका काम देख के हैरान रह गया, बताओ इतना फास्ट काम कोई करता भी है यार, सोचा नहीं था भाई इतना फास्ट काम करेंगे। हमें तो ये लग रहा था कि 1 हफ्ता तो लगने वाला है POP में, पर भाई देख सकते हो यार 2 दिन में, सोच सकते हो भाई 2 दिन में इन्होंने फिनिश कर दिया काम। और भाई देखो सुबह के 9 बजने जा रहे हैं, और भाई यहाँ देखो ए बताओ भाई, और देखो हम भाई 6 बजे के उठे हुए हैं, और भाई इनकी देखो अभी मॉर्निंग नहीं हुई और 9 बज रहे हैं। और आज आपको एक बात बताऊं यार, और आज हमारे घर बनने वाला है भाई देसी घी की पूड़ी और आलू गोभी की सब्जी खीर, और भाई मजा आने वाला है यार, आज देसी घी की हम पूड़ी खाने वाले हैं। और आज किस्मत की बात देखो यार, देखो घर में भी इतना बढ़िया खाना बन रहा है, और आज हमारे यहाँ पर पार्टी भी है यार, देखो यार, और पार्टी भी देखो दोपहर की है यार, ये नहीं कि रात में पार्टी हो जाती, क्यों भाई दोपहर में तो हम अपनी पूरी सब्जी खाते और रात में भाई पार्टी में मजे लेते। हाँ भाई उठना नहीं भाई, बताओ यार लड़की होके बताओ 9 बजे उठ रही है यार, हम लड़की होके भाई 6 बजे उठ के बैठ गए, 11:30 देख रहे हो भाई, देख रहे हो 11:30, तो हम भाई हम भी भाई 10:30 तक ही सोते हैं भाई, हम भी तो रात 9 बजे सो गया, नहीं मैं 9 बजे नहीं सोया भाई, 9 बजे ही सो गया था। अरे यार कल यार बहुत जल्दी आग लग गई, पता नहीं यार क्यों, कल थकावट भी बहुत ज्यादा हो गई थी ना, इसलिए यार मैं भाई कल 9 ही बजे सो गया, पता ही नहीं लगा, फोन मैंने इतना चलाया ही नहीं। भाई यहाँ बननी है हमारी देसी घी की पूड़ी भाई, देख सकते हो, अगर आपको यकीन नहीं आता तो भाई ये चेक करो, देखो अभी ताजा ताजा घी निकाला है, और ताजी ताजी भाई पूड़ियाँ बननी है यहाँ पर, और ये देखो ढेर सारी बन के रेडी भी हो चुकी है भाई। अभी पहले मंदिर जाएंगे, मंदिर में पहले भगवान को चढ़ाएंगे, और जो पंडित जी है उन्हें भी खाना खिलाना, उसके बाद हम लोग खाएंगे। देख लो भाई ताजी ताजी अपनी पूड़ियाँ बननी है, और ये देखो काम चोर। काम चल लोगों की भाई सगली अलग ही दिख जाती है, देख रहे हो, और जो भी है भाई जितना भी घर का काम करते हैं भाई वो सारा मेरी मौसी जी करती है, झाड़ू पोछा भाई, ये तो बस झूठ बोलती है, ये नहीं करती कुछ भी, आलसी लोग हैं आलसी, आपने देखा 9-9 बजे तक ये सो के उठ रहे हैं। और भाई ऐसे कुत्ते देखे हैं मंदिर में जो कांच चढ़ के खा रहे हैं। तभी फटाफट पंडित जी को खाना खिला दिया, फटाफट पानी पिला देते हैं।
तो चलो भाई पंडित जी को यहाँ भोजन करा दिया हमने और अब जा रहे हैं घर। भाई आज मैं लाया हूँ हीरो की स्प्लेंडर बाइक, मेरी घर पे ही खड़ी हुई है यार। मैंने सोचा आज भाई इसे भी चला के देखे, बहुत दिन हो गया ना स्प्लेंडर मैंने चलाई नहीं है, तो अभी फटाफट चलते हैं घर। तो भाई फाइनली घर आ चुके हैं और घर आके भाई अपना कर रहे हैं आज का लंच। भाई ये है देसी घी की पूरी, आलू गोभी की सब्जी और भाई खीर है, देखो खीर में भाई बड़े बड़े बादाम। और भाई किस्मत की बात देखो, मेरे में भाई बादाम है और इसके में तो बादाम है ही नहीं, देखो इसके में बादाम नहीं है। किस्मत भी तो होनी चाहिए भाई बादाम वाली, अपने तो काजू बादाम वाली किस्मत है, इसलिए देख देखो भाई मोटे मोटे बादाम है भाई मोटे मोटे। तो चलो फटाफट खाना खाते हैं। जो भी वेस्टेज था ना तो भाई बाबा ने आज उसे बेच दिया है, जैसे लोहा हुआ लोहा हमारा बिका है 500 रुपए का और आज बाबा की तरफ से देखो भाई 50 रुपए। भाई आज तो भाई मोमोज की पार्टी होने वाली है, तो ये भाई बाबा की तरफ से है 50 रुपए, शुक्रिया बाबा। तो भाई इन 50 रुपए में आज हम जाएंगे मार्केट में, देखेंगे हम 50 रुपए में क्या क्या खा सकते हैं। और आज मैं बाबा के लिए भी कुछ लाने वाला हूँ, देखते हैं यार क्या लाते हैं और 50 रुपए में आज हम क्या खाने वाले हैं। तो नीसा के जीभ में भाई पानी आ रहा है ये 50 रुपए देख के, पर इसे मैं कुछ नहीं खिलाने वाला भाई। और भाई जो हमारे बैठक का डिजाइन है वो भी तैयार हो चुका है, ये है भाई हमारे बैठक का डिजाइन, देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है भाई। भाई जो भैया काम कर रहे हैं ना एक नंबर काम कर रहे हैं भाई, डिजाइन जो है भाई बहुत ज्यादा हमें पसंद आ रहा है, ये हमारी कोई चॉइस नहीं है भैया, अपने जितना भी डिजाइन बना रहे हैं भैया सब अपनी तरफ से बना रहे हैं, पर भाई काम एक नंबर कर रहे हैं और एक नंबर का डिजाइन बना रहे हैं भाई। जब घर बनके तैयार होगा ना भाई सही में सुपर पावर भाई एक नंबर लगेगा। और इसमें हेलो कर हेलो, देखा भाई समझदार है भाई ये, ओए बस 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 भाई इसके पास तो आने बेकार है भाई, पूरे कपड़े लत्ते सब गंदे कर देती है भाई, बाकी हेलो तो हम कर ही सकते हैं। हेलो देखा ए, देखो 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 ये देखो भाई नाक नाखून के निशान मार दिए इसने अपने, ए गंदी बच्ची आप शैतान, ऐसे 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 करते ऐसे करते ऐसे करते भाई कभी भी ना इसे यार रोटी खाते समय मत छेड़ो भाई, वरना बहुत ज्यादा ये मतलब एकदम काटने को दौड़ती है बस। तो भाई शाम के बज रहे हैं अभी 4 और हम लोग जा रहे हैं मार्केट में थोड़ा घूमने के लिए, जो बाबा ने हमें 50 रुपए दिए थे ना हम सोच रहे हैं उसका थोड़ा यार कुछ खा के आ जाए यार, देखते हैं रोल वोल बर्गर वगैरह खा के आते हैं। तो फाइनली भाई 2 दिन बाद यार मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ, देखते हैं भाई स्टार्ट होती है नहीं होती है, कैसा लगता है यार। ओ भाई ये रे भाई अपनी बाइक फटाफट से स्टार्ट करके देखते हैं कि स्टार्ट होती है नहीं होती है। पहले तो हेलमेट पहन ले यार, क्योंकि बिना हेलमेट के बाइक नहीं चलानी चाहिए भाई। भाई एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई देख रहे हो, सो गाइस रेडी टू गो भाई। और भाई बच्चे देख रहे हो कैसे देख रहे हैं, ये देखो अक्स अक्स चले अक्स का एक दांत चुहा ले गया, एक दांत कौन ले गया तेरा अक्स, एक दांत कौन ले गया। तो भाई सबसे पहले यार पेट्रोल फिल करवाते हैं, क्योंकि भाई कोई पता नहीं यार पेट्रोल खत्म हो सकता है भाई बाइक में। ओ भाई लो भाई डाल लो, भाई हमने डलवा लिया 499 का तेल और रेट चल रहा है भाई 97। अरे वाह लो भाई 5 लीटर आया तेल इसमें पूरा, देखते हैं भैया 5 लीटर कितनी चलेगी। कार्ड दिखाना भैया कार्ड कार्ड
भाई 500 रुपए का तेल डलवा लिया, आप कोई टेंशन नहीं भाई। पता जब मेरी गाड़ी में भाई तेल फुल रहता है ना तो मुझे भाई कोई टेंशन नहीं होती यार, जहाँ मर्जी ले जाऊँ यार। बस थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है भाई, तेल नहीं रहती इसमें, तेल नहीं रहता ना कब भाई, भाई मेरा दिमाग खराब हो रहता है भाई उस समय। बस यार जो ये अपने डंडे हैं ना भाई, ये दिखने चाहिए ब्रो, ये दिखने चाहिए। और यार मैं यार इन ब्रेकर से बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा ब्रेकर होते हैं। और कौन पी के पड़ा हुआ है, सो रहा है भाई, आराम कर रहा है दिल भाई का, भाई भाई को किसी ने धोखा दे दिया, इसलिए पी के भाई पड़ा हुआ है। और सामने भाई गोभी की खेती हो रही है। ये आ चुके हैं मार्केट में, देख रहे हो बिल्कुल शहर जैसा लग रहा है। तो अभी हम चलते हैं मोमोस वाले भैया के पास। भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं भैया के पास, देखो। और ये लगवा लिया हमने, लो पकड़ो यार भाई, इन्हें करा कराए चाहिए भाई, देख रहे हो। एक तो मैं लेके भी आया और इन्हें खवा भी रहा हूँ। और ये भाई देख रहे हो, ये बहुत कंजूस है, ये अपमान जनक बातें करा लोटा ये। तो भाई देखो पिछली बार भी अंतिम भी आई थी और निशा भी आई थी, और आज भी भाई अंतिम और निशा है, दोनों ही है। बड़े बड़े खाते हैं भाई भैया के मोमोज यार, भाई बहुत ज्यादा टेस्ट है यार। मैं जब भी दिल्ली आता जाता हूँ ना, हमेशा मैं खाता हूँ, देख रहे हो भाई दोनों कितनी जल्दी लगे। थैंक यू भैया। भाई मैंने अभी एक पीस भी नहीं खाया, इन दोनों ने देख लो भाई खाना शुरू कर दिया है। और ये भाई बना रहे हैं भैया मोमोस, बड़ा बड़ा वाह भाई। भैया जो मसाला डालते हैं ना, मसाला भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो पिज्ज़ा में डलता है ना, पिज्ज़ा और मैगी मसाला मिक्स होता है इसमें, देख रहे हो। ये है भैया का मसाला। हाँ भाई पैसे कौन देगा पैसे कौन देगा, खाएंगे तो पैसे देंगे भाई, एक नंबर की कंजूस है, एक नंबर की। तो चलो फटाफट खाते हैं, चलो भाई खा लिए मोमो, सब चलते हैं फटाफट घर। इन लड़के की ख्वाहिश सुन लो आप, गोलगप्पे खाने हैं भाई, देख रहे हो मोमोज भी खा लिए, गोलगप्पे भी 50 रुपए में, देख रहे हो सब खाना है ना भाई। 40 देखो 40 रुपए के तुमने मोमोज लगवा लिए, अब बचे 10 रुपए, अब 10 रुपए के ना गोलगप्पे खिला के घर लेके जाएंगे भाई, दो तो मिल ही जाएंगे यार, मैं तो खाऊंगा नहीं भाई। आटे वाले मन जाएंगे, चलो दीदी बात दीदी दीदी दीदी। चलो भाई आज तो इन लड़कियों ने समझा यार, वरना तो भाई चूना लगाने में नंबर वन रहते हैं दोनों के। चलो आओ भाई, ये है फेमस गोलगप्पे वाला भाई, खाओ भाई। भीड़ देख रहे हो, भीड़ कितनी ज़्यादा यार। चलो भाई फटाफट हम भी खाते हैं। तो भाई मोमोज खाने के बाद हम लोग आ चुके हैं भाई फेमस गोलगप्पे वाले के पास, देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है भैया के पास, देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है। और आज ये लड़कियाँ भाई मुझे चूना लगवाने आई है चूना नहीं यार भाई, फाइनली इन्होंने बोल दिया भाई आटे के गोलगप्पे खाने, क्योंकि आटे के सस्ते आते हैं भाई। भाई एक बात बताऊँ, अगर भाई गोलगप्पे खाने तो भाई आटे में ही मज़ा है भाई, हम तो अपने दिल्ली में आटे के ही खाते हैं, तो इसलिए भाई हम लोग आटे के ही खाएंगे। तो भाई अब बारी आ चुकी है इन बुक्कड़ों की। ओह माय गॉड, चलो 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 चलो, तुम खाओ जल्दी से। तो चलो भाई गोलगप्पे भी खा लेते, बहुत टेस्टी बना रखे थे। और हमने एक दही बल्ले की प्लेट भी पैक करवा ली यार मौसी जी के लिए, क्योंकि भाई हमें पता है लेडीज को ज़्यादातर यार भाई गोलगप्पे और भल्ले पापड़ी पसंद आते हैं, पर गोलगप्पे इसलिए नहीं पैक करवाया यार, गोलगप्पे यार घर पे जाके भाई बेकार लगते हैं। अरे मेरा हेलमेट तो दो यार भाई, हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई बाइक के लिए यार। तो चलो भाई अब फटाफट घर चलते हैं भाई, क्योंकि सनसेट होने ही वाला है भाई। भाई जब भी तुम भाई लड़कियों को कहीं भी लेके जाओ ना, सबसे पहले गोलगप्पे खिलाओ, क्योंकि गोलगप्पे में भाई इतनी ज्यादा ताकत होती है भाई, अगर दो गोलगप्पे खाएंगे ना भाई पेट भर जाएगा सही बताऊं, इसलिए भाई आपके पैसे वेस्ट होने से बच सकते हैं भाई। है
मेरा कभी गोलगप्पा भाई मेरा तो भाई सच में अगर मैं दो गोलगप्पे खा लूँ ना तो मेरा पेट भर जाएगा, फिर बस फिर मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। लड़कियां खाने में नंबर होती है भाई, तुम्हें तो पता है लड़कियों का पेट नहीं भर सकता भाई कभी भी। सच में भाई मेरा तो भर जाता है यार पेट। भाई फुल पावर गाइस, फुल पावर भाई देखा। हाँ आराम से। अरे मुझे पता है भाई, पता है भाई, देख रहे हो यार इतना ज्यादा डरती हैं भाई लड़कियाँ। सो गाइस फाइनली वी आर बैक इन होम। भाई आ गए भाई हम लोग घर, और अपनी मौसी जी के लिए लाए थे भाई हम फल्ले पापड़ी की प्लेट। कैसी लग रही है? बढ़िया। तो चलो भाई फाइनली। भाई कितने गोलगप्पे खाए? चार। चार खाए? पांच। भाई कितनी झूठी है, मैंने सिर्फ दो गोलगप्पे खाए यार, और इसने खाया पांच गोलगप्पे। चलो बढ़िया यार, गोलगप्पे खा के यार पेट बहुत ज्यादा भर जाता है यार भाई, इसलिए मैंने दो ही गोलगप्पे खाए। और गोलगप्पे तो भाई लड़कियों के फेवरेट होते हैं, इसलिए पांच गोलगप्पे खा के आइए। और मोमोज कितने खाए? मोमोज तो छह सात तो खा लिया। सात आ रही है भाई। मैं जब भी कहूँ यार, पता मैं वीडियो बनाने के चक्कर में भाई ये दोनों तो लपेट गई मोमोज, मैं इतने नहीं खा पाया। तो चलो फाइनली यार घर आ गए ना मजे में भाई, मस्त लगे भाई। गोलगप्पे भी बढ़िया लगे और मोमोज भी बढ़िया लगे, और हम ले आए भाई भल्ले पापड़ी प्लेट। तो भाई कल हम लोग जाने वाले हैं MMR मॉल, जो कि बुलंदशहर में है, हमारे यहाँ से भाई 10 किलोमीटर बस दूर है, और कहते हैं भाई बहुत फेमस मॉल है। तो फटाफट भाई हम वहाँ जाएंगे, देखेंगे यार क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है। कैसा है मॉल? तू गई भी है? हाँ, देखा है, गई भी है। तो चलो भाई, मैंने तो नहीं देखा यार, मेरे लिए तो वो नई चीज होगी। बाहर से देखा, बाहर से ही बाहर से ही देखा भाई, स्टेडियम में गई ना, टांडे स्टेडियम में खेलने। अच्छा, जब देखा। तो चलो कोई नहीं भाई, आप लोगों को हम बुलंदशहर के जो फेमस मॉल है वो घुमाएंगे। इस व्लॉग को करते हैं, व्लॉग पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।